माखंड की हुई हद पार, मटकी माखन वाली माता के नाम से वायरल हुआ वीडियो। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो आपका दिन बना देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि धर्म के नाम पर पाखंड का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक महिला जो कथित रूप से धार्मिक माता बताई जा रही है, वो मक्खन और दूध का सेवन करती दिखाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग महिला के पास खड़े हैं और उन्हें दूध, दही, माखन जैसे भोजन का चढ़ावा कर रहे हैं और उन्हें खिला रहे हैं। वीडियो देखने पर साउथ इंडिया के किसी धार्मिक स्थल का नजर आ रहा है, जो जांच का विषय है। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करके लिखा, पाखंड के बाजार में मटकी माखन वाली माता लॉन्च हो चुकी है। घी, दही, मक्खन का भोग ग्रहण करने का लाइव शो देखो, पाखंड सिर चढ़कर बोल रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की भी अलग अलग टिप्पणी देखने को मिल रही है। अरुण कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने इस पर आपत्ति जताई और पूर्व IAS से कहा, IAS जी, कभी मजार का फोटो मत डाल देना, जहां आसमानी जिन आकर 72 हूरें बांटते हैं। उस ईसाई होला लुइया का वीडियो मत डाल देना, जहां कैंसर, ट्यूमर, HIV जैसी बीमारी छूते ही गायब हो जाती है। अब तो IAS भी बन रहे हैं। आशा श्री नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, गरीब बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा, माखन सूंघने को नहीं मिलता और ये पूतना माखन का अपमान कर रही है। अब्दुल मुख्तदिर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आज के दौर में साइंस का कोई मतलब नहीं रह गया है। अरविंद सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा जो ऐसे पाखंडियों की न तो कोई जांच होती है और न ही इस मुद्दे पर किसी TV चैनल पर कोई चर्चा होती है, जिस कारण ये पाखंडियों का धंधा दिन दुना और रात चौगना बढ़ता ही जा रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर रिएक्शंस का सिलसिला जारी है। आप इस वायरल वीडियो को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।